गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज गायत्री जयंती के विशेष अवसर पर हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र जपने से कैसे सभी मंत्रों का फल हमको मिल जाता है और ब्रह्मांड के सभी मंत्रों का राजा है ये गायत्री मंत्र। हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेष उल्लेख आता है कि सभी वेदों की उत्पत्ति, सभी देवों की उत्पत्ति एवं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ गायत्री के गर्भ से ही हुई है। इसीलिए गायत्री माता को सृष्टि का आधार, वेद माता, विश्व माता और देव माता भगवती रितम्भरा माँ गायत्री कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन ब्रह्मा जी के आवाहन पर मानव मात्र के उद्धार के लिए माँ गायत्री धरती पर सद्ज्ञान के रूप में अवतरित हुई थी। तभी से इस दिन को गायत्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। सभी मंत्रों का राजा है 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेषित करे। गायत्री साधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 24 अक्षरों वाले इस वेद मंत्र में अद्वितीय शक्ति है। जो व्यक्ति नियमित ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जप, साधना, उपासना करता है, माँ गायत्री उसके सभी कष्ट हर लेने के साथ साधक के भीतर देवत्व की स्थापना करके सद्ज्ञान और सद्बुद्धि की वृद्धि करती हैं। और जो नियमित गायत्री महामंत्र के जप के बाद इसी मंत्र की गाय के घी से 108 बार यज्ञ में आहुति देता है, उसके सभी दुखों का नाश होने के साथ मान सम्मान के साथ धन वैभव की भी मनचाही प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए तो वेदों में गायत्री को माता और यज्ञ को पिता कहा गया है। अथर्वेद में कहा गया है कि गायत्री मंत्र जप से आयु, प्राण, प्रजा, कीर्ति, पशु, धन एवं ब्रह्म वर्चस्व आदि 7 प्रतिफल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जो भी विधिपूर्वक श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण पवित्रता के साथ उपासना करते हैं, माँ गायत्री एक रक्षा कवच का निर्माण करती हैं। वह विपत्तियों के समय उसकी रक्षा करने आती हैं और अंत में साधक को ब्रह्मलोक अपनी शरण में ले लेती हैं। इस सदी में गायत्री मंत्र, गायत्री यज्ञ एक सर्व सुलभ साधना है। इस साधना को जन जन तक पहुंचाने वाले युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही, अर्थात अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ति भी गायत्री के गर्भ से ही हुई है। इसीलिए गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का राजा और गुरु मंत्र कहा गया है। वेदों में तो यहाँ तक कि कहा गया है कि गायत्री मंत्र की साधना करने से सभी मंत्रों के जपने का लाभ स्वतः ही मिल जाता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को गायत्री का प्रथम ऋषि कहा जाता है। उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना के बल पर दूसरी सृष्टि का निर्माण किया था। हिंदू धर्म में गायत्री को पंच मुखों वाली भी माना गया है, जिसका अर्थ है ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जल, वायु, पृथ्वी, तेज और आकाश के 5 तत्वों से बनी है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के भीतर गायत्री माता प्राण शक्ति के रूप में प्रकाशित और विद्यमान है। यही कारण है कि गायत्री को सभी शक्तियों का आधार माना गया है, क्योंकि भगवान श्री राम, कृष्ण सहित सभी देवता भी
नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं। ऐसा उल्लेख गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ में आता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर प्राणी को प्रतिदिन गायत्री उपासना अवश्य करनी चाहिए। जप व यज्ञ पूर्ण होने के बाद विसर्जन अवश्य करें। विसर्जन में आप पूजा वेदी पर रखे हुए छोटे कलश का जल सभी कामनाओं की पूर्ति के भाव से पूर्व दिशा में सूर्य भगवान को अर्घ्य रूप में इस मंत्र के उच्चारण के साथ चढ़ाएं। ओम सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माँ भक्त्या ग्रहण आर्घ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। अगर आपको इस मंत्र को याद करने में कुछ परेशानी हो तो आप गायत्री मंत्र को 3 बार बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा सकते हैं। इतना सब करने के बाद दान स्वरूप अपनी कमाई का 1 अंश कहीं दान अवश्य करना चाहिए या फिर गरीब कन्याओं को कुछ भोजन करा दें। इससे निश्चित ही माँ गायत्री आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। गायत्री जयंती के साथ इस दिन गंगा दशहरा भी होता है। शास्त्रों पुराणों में उल्लेख आता है कि पतित पावनी माँ गंगा जी का नाम लेने मात्र से इस दिन सभी पाप धुल जाते हैं और दर्शन व स्नान करने से 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को गंगा जी में या किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान ध्यान तथा दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। यदि कोई मनुष्य पवित्र नदी तक नहीं जा पाता तो अपने घर में ही बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर उसमें शुद्ध जल मिलाकर गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसा करने पर गंगा जी में स्नान का फल मिल जाता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि जैसे मंत्रों में ओमकार, धर्मों में अहिंसा, कामनाओं में लक्ष्मी की कामना, नारियों में माता महागौरी उत्तम है, वैसे ही तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं। अगर गंगा दशमी के दिन कोई मनुष्य अपनी सर्व कामनाओं की इच्छा से गंगा जी में 21 बार 51 बार या 108 बार की संख्या में डुबकी लगाकर स्नान करता है और शुद्ध सफेद वस्त्रों को धारण करता है और गंगा किनारे बैठकर ओम रीम गंगा देव्ये नमः इस मंत्र का 1008 बार जप करने से माँ गंगा प्रसन्न होकर सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। अगर इस दिन कोई अपने पितरों की मुक्ति के निमित्त गुड़, गाय का घी, तिल, शहद के साथ बनी खीर गंगा जी में डालते हैं तो डालने वालों के पितर 100 वर्षों तक तृप्त और प्रसन्न होकर अपनी संतानों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। देवी भागवत में गंगा को पापों को धोने वाली त्राणकर्ती के रूप में उल्लेखित किया गया है। गंगा जी का जल अमृत के तुल्य बहुगुणयुक्त, पवित्र, उत्तम, आयुवर्धक, सर्व रोग नाशक और बल वीर्यवर्धक, परम पवित्र, हृदय को हितकर, दीपन, पाचन, रुचिकारक, मीठा, उत्तम पथ्य और लघु होम है तथा भीतरी दोषों का नाश करने वाला है। तो इस प्रकार गंगा दशहरा के दिन आप गायत्री माता की विशेष पूजा करके गायत्री जयंती और गंगा दशहरा दोनों का लाभ उठाएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।